देश में बेरोजगारी की स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। सितंबर से दिसंबर 2019 के इन चार महीनों में बेरोजगारी की दर 7.5% तक पहुंच गई है। यही नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी दर भी बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के द्वारा जारी आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि युवा ग्रेजुएट के लिए पिछला साल काफी खराब रहा है। CMIE एक निजी थिंक टैंक है जिसके सर्वे और आंकड़ों को काफी विश्वसनीय माना जाता है। CMIE की रिपोर्ट में कहा गया है, मई अगस्त 2017 के बाद लगातार सातवीं बार बेरोजगारी बढ़ी है। मई अगस्त 2017 में बेरोजगारी दर 3.8% थी। वहीं दूसरी ओर CMIE के सर्वे के अनुसार ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में बेरोजगारी की दर ज्यादा है। शहरी भारत में इस दौरान बेरोजगारी दर 9% तक पहुंच गई, यानी शहरों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। ग्रामीण भारत में इस दौरान बेरोजगारी 6.8% रही। ये हाल तब है जब कुल बेरोजगारी में करीब 66% हिस्सा ग्रामीण भारत का होता है। रिपोर्ट में कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे ग्रामीण भारत में बेरोजगारी की दर कम है और इसका देश की समूची बेरोजगारी पर बड़ा असर है। हालांकि गांव में जो रोजगार है उसका स्तर भी बहुत खराब है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़कर लगभग 2.5 अरब हो जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरों में खासकर उच्च शिक्षित यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 37% है और इनमें से ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर 60% तक पहुंच गई है। ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की औसत दर साल 2019 में 63.4% तक पहुंच गई है। बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के जारी रहने के साथ सही काम की कमी के कारण लोगों को अपने काम के माध्यम से बेहतर जीवन जीना और मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में बेरोजगार माने गए 18.8 करोड़ लोगों में 16.5 करोड़ लोगों के पास अपर्याप्त वैतनिक कार्य है और 12 करोड़ लोगों ने या तो सक्रियता से काम ढूंढना छोड़ दिया है या फिर श्रम बाजार तक उनकी पहुंच ही नहीं है। गौरतलब है कि CMIE के अनुसार पिछले साल अगस्त में बेरोजगारी की दर 8.4% रही, जो 3 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। इससे पहले सितंबर 2016 में बेरोजगारी के आंकड़े इस स्तर पर पहुंचे थे। यानी लोगों के पास काम नहीं है, और अगर काम नहीं है तो पैसा भी नहीं होगा, और अगर पैसा नहीं है तो देश की अर्थव्यवस्था में देश के युवाओं का योगदान कैसे होगा।